मेरे पास अजमेरा के 150 शेयर हैं 358 पर, नमस्ते। और 100 जी, शेयर है मेरे पास HDFC बैंक का 1360 अजमेरा पर। परिस ठीक है, समय दे सकते हैं आप अतुल जी दोनों स्टॉक्स को? मैम मेरे पास अभी 1 ईयर का समय है पूरा, लगभग 1 से 1.5 साल। ऑलराइट, ठीक है। बंदर आप राय दीजिए, अजमेरा रियल्टी और HDFC बैंक दोनों में हल्का नुकसान हो रहा है इनको, चार्ट्स पे कैसे लग रहा है? 1 साल का और समय दे सकते हैं इस शेयर पर? पूजा जी, अजमेरा बंदर फिलहाल आपसे सपोर्ट रिक्वेस्ट लेवल, होगी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। पूजा जी अजमेरा फिलहाल सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, 260 का इसमें सपोर्ट बनता है। अब सपोर्ट लेने के बाद हमने पिछले 2-3 हफ्तों में इसमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिला, तो इसका मतलब है कि ये रिस्पेक्ट कर रहा है उस लेवल को। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में हमें ऊपर में 360 से लेके 400 तक का इसमें प्राइस देखने को मिल सकता है, कि जिस लेवल पे ये आके फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, 255 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा, होल्ड कीजिए। सिर्फ एक 5-6 हफ्ते रुकना पड़ेगा जहाँ पे हमें ये बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये हो गया अजमेरा के बारे में। HDFC बैंक जो है वो फिलहाल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी 1280 का सपोर्ट बनता है। वही लेवल से ये स्टॉक आज भी हमें एक अच्छी खासी मूव इसमें देखने को मिली है, 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 1270 के स्टॉप लॉस से भी HDFC बैंक को होल्ड करना जरूरी है, इसमें भी आगे जाते हुए एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, HDFC बैंक को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन आज बाजार का स्टार परफॉर्मर है डॉक्टर रेड्डीज का शेयर। कल नतीजे आए थे और कल ही डॉक्टर रेड्डीज रेडी हो गया था कि आज अच्छी चाल ये शेयर दिखाएगा, और आज देखिए निफ्टी का टॉप गेनर है 6% के आसपास के उछाल के साथ। जो नतीजे आए थे उसमें मुनाफे का आंकड़ा कम दिखा था, लेकिन उसमें 742 करोड़ रुपये का इंपेयरमेंट खर्च था, उसके चलते मुनाफे में हमें गिरावट देखने को मिली थी। इंपेयरमेंट खर्च अगर आप हटा दीजिए तो उसके बाद नतीजे बहुत ही अच्छे थे, खासतौर से आय के फ्रंट पर हमें अच्छी ग्रोथ दिखी है। मार्जिन की बात करें या फिर एबिटा की बात करें तो वहां पर बढ़िया ग्रोथ है, और अब नतीजों पर बातचीत करने के